फिरोज खान के निर्देशन में बनी फिल्म पवन पुत्र की बात करें तो एक लंबे समय से चर्चाओं के विषय में पवन सिंह की यह फिल्म थी, लेकिन अब फाइनली इस फिल्म का ट्रेलर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गया है, जिसे फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बताना चाहेंगे, ट्रेलर की शुरुआत में ही पवन सिंह की धमाकेदार एंट्री होती है और एंट्री होते ही वो दुश्मनों पर हावी हो जाते हैं। वैसे देखा जाए आमतौर पर जितनी भी पवन सिंह की फिल्में होती हैं उनमें दमदार एक्शन सीन हमें देखने को मिलता है और पवन पुत्र में भी हमें यही लाजवाब जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिल रहा है। पवन पुत्र एक एक्शन पैक्ड फिल्म है, जिस फिल्म में जबरदस्त डायलॉग बाजी के साथ जबरदस्त एक्शन सीन भी हमें पवन सिंह का देखने को मिल रहा है। पवन सिंह की यह फिल्म काफी ज्यादा खास होगी, जिस फिल्म को होली के शुभ अवसर पर रिलीज किया जाना है। पवन सिंह के साथ इस फिल्म में दो अभिनेत्रियां नजर आने वाली हैं, प्रियंका पंडित और प्रियंका रेवाड़ी के साथ पवन सिंह का जबरदस्त रोमांस हमें फिल्म पवन पुत्र में देखने को मिलने वाला है। और जिस हिसाब से पवन सिंह की इस फिल्म के ट्रेलर को लोगों द्वारा रिएक्शन मिल रहा है, उस हिसाब से साफ कहा जा रहा है कि होली के अवसर पर यह फिल्म रिलीज होते ही तहलका मचा देगी। भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह को पावर स्टार कहा जाता है। पावर स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी सभी फिल्मों में जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलता है और साल 2020 की पहली फिल्म होने वाली है पवन सिंह की पवन पुत्र। तो यूं कहा जा सकता है कि पवन सिंह के फैंस भी इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड चल रहे होंगे और ट्रेलर देखने के बाद जाहिर सी बात है वो सिनेमाघरों की तरफ इस फिल्म को देखने के लिए रुख करेंगे। बताना चाहेंगे, इस फिल्म के निर्माता हैं रत्नाकर कुमार। इस फिल्म की कहानी लिखी है राकेश त्रिपाठी ने। साथ ही इस फिल्म में पवन सिंह के अलावा मीर सारवर, प्रियंका पंडित, प्रियंका रेवाड़ी, काजल राघवानी, ऋतु पांडे, विजय त्रिपाठी जैसे बड़े कलाकार हमें फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे में अभी तक आपने पवन सिंह की फिल्म पवन पुत्र का ट्रेलर नहीं देखा है तो जाकर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिए और हमें अपनी राय दें कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। कमेंट कर अपना सुझाव जरूर दीजिए।